Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Face Up. उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे. तो आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है टोनर. इससे पहले जो मेरी वीडियो है वो मैंने सौंफ के इस्तेमाल से मैंने आपको क्लिंजर बनाना सिखाया था और वो क्लिंजर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था, एंटी एजिंग था. इसी तरह जो कि ये एंटीसेप्टिक है तो इसी के साथ हम टोनर बनाएंगे. ये टोनर बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है और गर्मियों में आपके लिए, आपकी स्किन के लिए और आपकी जो दिन भर की थकावट है उसको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. क्योंकि जैसे ही आप इसको अपने फेस के ऊपर स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक सूदिंग और रिफ्रेशिंग सा इफेक्ट आएगा. तो इसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ. सबसे पहले मुझे चाहिए सौंफ. सौंफ ये तो मेरे पास मोटी है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो आपके पास इसका पाउडर है तो आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें चाहिए वो है ग्लिसरीन. ग्लिसरीन के अलावा अगर आपके एसेंशियल ऑयल है, टी ट्री ऑयल है या कोई भी रोजमेरी ऑयल है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. जी, ग्लिसरीन के बाद मैं यूज़ करूँगी इसमें अरके गुलाब है. आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है, ख़ासतौर पर गर्मियों के लिए, और ये इट्सेल्फ ही एक बहुत ही अच्छा क्लिंजर है. इसके साथ मुझे चाहिए ग्रीन टी का टी बैग, ये मैंने एक यूज़ किया है. और साथ जो मुझे चाहिए वो है गर्म पानी. तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इन चीज़ों को किस तरह से मिला के तो एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सा टोनर वो तैयार करना है. जी व्यूअर्स, ये मेरे पास एक गर्म पानी है. ये तकरीबन मैंने एक कप गर्म पानी लिया है और इसमें मैं तकरीबन एक टीस्पून डालूंगी. ये मेरे पास जो पिसी हुई सौंफ है वो मैंने डाल दी है इसमें. ये मेरे पास एक टी बैग है, ये मैं टी बैग इसमें रख दूँगी. और टी बैग के बाद मैं इसमें तकरीबन एक टेबल स्पून जो है वो ये अरके गुलाब जो है वो इसमें डाल दूंगी. और चंद कतरे मैं इसमें ग्लिसरीन के डालूंगी. जो कि गर्मियों का मौसम है, जैसे मैंने पहले बताया कि टी ट्री ऑयल भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और एसेंशियल ऑयल जो है वो आपके पास है, तो मैं ये इसमें चंद कतरे ग्लिसरीन के डालूंगी. और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक ये पानी ठंडा नहीं हो जाता तब तक के लिए मैं इसको रख दूंगी, ताकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं उन सब के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पानी के अंदर चले जाएं. तो अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए या ठंडा होने के लिए रख दूँगी. जी व्यूअर्स, ये तकरीबन मेरा जो पानी है वो ठंडा हो गया है और अब मैं इसे स्ट्रेनर के साथ जो है वो छान लूँगी. जी, ये स्ट्रेनर से इसको छानने के बाद ये मेरे पास बहुत ही रिफ्रेशिंग किस्म का जो टोनर है वो मेरे पास आ गया है. और अब मैं इसको अपनी स्प्रे बोतल में डाल दूँगी. जी व्यूअर्स, इसे मैंने स्प्रे बोतल में डाल लिया है और ये बहुत ही एक रिफ्रेशिंग सा स्किन टोनर जो है हमारे पास तैयार हो चुका है. जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको यूज़ किस तरीके से करना है. ये आपने बोतल हिलाई और इस तरीके से उसको अपने फेस के ऊपर स्प्रे कर लिया और आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा ये रिफ्रेशिंग है. इसमें जो कि मैंने ग्लिसरीन डाली है, ग्लिसरीन स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करती है. इसके अलावा ग्रीन टी है, ग्रीन टी जो है वो ऑलरेडी एंटी एजिंग होती है. इसके अलावा ये हमारे डार्क सर्कल और जितने भी सनबर्न होते हैं या स्किन के जो हमारे अनइवन स्किन टोन है कोर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है. इसको यूज़ कीजिएगा और इसके जितने भी रिजल्ट्स आपको आएँ वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त देने से पहले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट जाके इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो जो है वो सबसे पहले आपको पहुँचे. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.